Hey guys, welcome to my new vlog. और आज हम जा रहे हैं सेंट पैट्रिक्स डे देखने सिटी सेंटर के अंदर, क्योंकि आज सेंट पैट्रिक्स डे है. और देखते हैं कि शहर में किस तरह की सेलिब्रेशन होने वाली हैं या किस तरह की परेड्स हैं. बहुत तारीफ तो सुनी है सेंट पैट्रिक्स डे की, तो आज हमें ऑफ भी मिला है. तो मैं, मेरा फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं सिटी. और बसेस आई गेस ओवर क्राउडेड होने वाली हैं. डोंट नो, हमें वॉक करके जाना पड़ेगा या बस में जाना पड़ेगा. गाइज, मैं नीचे आ चुका हूँ, लेकिन तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो गया, हमें बस मिल ही नहीं रही. और जो बस आ रही है वो फुली लोडेड होती है. तो मेरे पीछे बस स्टेशन पे लोग खड़े हुए हैं. हमने चल के सोचा है थोड़ी सी कॉफ़ी ले लेते हैं, मैं और अहमद. तो हम लोग बाय वॉक चलते चलते देखते हैं अगर हम सिटी पहुँच सकते हैं कि नहीं. अगर हम नहीं पहुँच रहे तो बीच में किसी स्टॉप पर बस हमें खाली मिल सकती है. आई होप कि हमें सीट मिल जाए, तब तक कॉफ़ी इंजॉय करते हैं. हाँ, फाइनली हमें बस मिल चुकी थी और हम सिटी आ गए हैं. और क्योंकि आज रूट बंद है तो काफ़ी वॉक भी करनी पड़ेगी. तो हमें नहीं पता हमें सिटी जाना है, परेड खत्म हो रही है. हम लोग क्राउड को ही फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर. सो पब्लिक जहाँ जा रही है हम भी वहीं जाएंगे. सब लोग ग्रीन ड्रेस में हैं और बनते फिर रहे हैं, हैट्स पहने हैं सब ने. सेंट पैट्रिक्स डे मनाया जा रहा है यहाँ पे. आयरलैंड में बहुत फेमस है सेंट पैट्रिक्स डे और लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं. पूरी रैलीज निकलती हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड को ब्लॉक किया हुआ है. मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं. आई डोंट नो, हमें बस इतना पता था कि आज कुछ होना है. Thank you.
गाइस बहुत ज़्यादा रश है और क्राउड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। हमें जगह नहीं मिल रही अंदर घुसने के लिए, तो जितना भी क्लिप मैं बना सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप देखें इंजॉय करें। Thank you.
Thank you.
सो गाइज अभी जाके ये परेड ख़त्म हुई है और हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए क्योंकि बसेस थी नहीं पूरे डबलिन से, डिफरेंट एरिया से और इवन डिफरेंट कंट्री से लोग सेंट पैट्रिक्स डे देखने आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग और ये जो बंदा दाढ़ी लगा के घूम रहा है यहाँ का एक सिग्नेचर भी है। यहाँ पे लोग इस तरह से सेंट पैट्रिक्स डे को मनाते हैं। आई होप आप सबने इन्जॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, फर्स्ट टाइम इन लाइफ इस तरह की परेड देखी है और लोग इसे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पूरे डबलिन में आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, मैं जब से डबलिन आया हूँ और मैंने सबसे ज़्यादा क्राउड आज के दिन ही देखा है। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि आयरलैंड एंड डबलिन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँ और आप मेरे साथ साथ घूमें तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका पॉपअप नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद हम लोग सेंट पैट्रिक्स डे की परेड के बाद हम लोग आए हैं सिटी में और क्योंकि सिटी में ही हो रही थी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, स्टॉल्स लगे हैं, गेम्स हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हम इनमें से एक दो तीन चीज़ें करेंगे, कोशिश यही है कि करते रहें और आज का डे पूरा इंजॉय कर सकें मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है। मेरा ग्रुप भी है और यहाँ पे बहुत सारी स्विंग्स हैं, हम लोग डिसाइड करें कौन सा ले ले। तो मेरे पीछे जो लॉन्गेस्ट वन है ये जिस पे लोग आप नज़र भी आ रहे हैं, तो मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान ये है कि हम लोग इसमें चढ़ें और सबसे ख़तरनाक अभी यही लग रहा है और सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा अभी इसी में आने वाला है। सो मेरा मूड है मैं इसे ट्राई करता हूँ, लेकिन ये ऊपर जाके बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा तो फ़ोन वगैरह गिर सकते हैं, हो सकता है मैं वहाँ से व्यू कवर नहीं कर पाऊँ अपने व्लॉग में। तो राधा देन मैं इंजॉय करता हूँ इस राइड को। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे और बड़ा मज़ा आ रहा है हम सबको।